रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को अपने क्लाइंट्स के जो है स्टिच ड्रेसेस दिखा रही हूँ। हम जो है प्रोफेशनली तौर पे स्टिचिंग भी करवाते हैं, ब्रांड्स के हम अनस्टिच कपड़े सेल करने के साथ साथ हम अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स और पाकिस्तानी क्लाइंट्स को भी स्टिचिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो आज थोड़े हमने स्टिचिंग जो है हमारा शिपमेंट निकल रही थी, ये हमारी यूके की क्लाइंट के जो है स्टिच ऑर्डर्स हैं, तो हम इसको अपने आप लोगों तक जो है अपनी स्टिचिंग की नफासत दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप हम लोग से भी स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने मारिया बी का आर्टिकल है, मोस्ट हिट आर्टिकल है, एम प्रिंट का है। ये अनस्टिच में भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और ये हमारे पास स्टिच है अपनी क्लाइंट का, उनके अकॉर्डिंग उनके चॉइस पे हमने जो है स्टिचिंग करवाई है। ये इसका आ गया शर्ट। अच्छा, ये हमने इसके लिए हमने बटन्स भी इसके बहुत ज़्यादा हसीन से लेकर लगवाए हैं ताकि जो है ना इसकी नेक लाइन पर खूबसूरती बहुत अच्छी आ जाए। ये इसकी जो है ना एम्ब्रॉयडरी नेक लाइन गिवन थी जिसको हमने एप्लीक करवाया है और हमारी क्लाइंट की चॉइस में हमने जो है इसको इनर के साथ सिलवाया है। ठीक है, हम इसको आपको दिखा रहे थे। ये इसका हमने इस तरीके से लेसेस गिवन थी जो मालेबी के साथ आई थी, तो उसको हमने चॉक्स दामन पे इस तरीके से जो है ना एप्लीक करवाई है। ठीक है, फिनिशिंग आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि हमारी जो फिनिशिंग है हम क्या कहते हैं हाथ के धुरपाई करवाते हैं, सिलाई नहीं करवाते ताकि सामने की तरफ फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। इसके नीचे हमने ये टैसल्स जो हैं ये बनवाए हैं अच्छे धागे पर। एक तो वो होते हैं जो रेशमी धागा होता है और निकल जाता है, ये कॉटन धागा है, ये हमने खुद बनवाए हैं ताकि ये टाइट रहे, स्मूथ रहे और निकले नहीं, ख़राब ना हो। ठीक है, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमने इसके चॉक्स पे जिस तरीके से करवाया है फ्रंट बैक पे भी हमने वैसे ही चॉक पे पूरा सेम काम करवाया है फ्रंट और बैक पे, ताकि दोनों की तरफ की जो है डिज़ाइनिंग बिल्कुल सेम आए। इसके बाद हम आप इसकी नेकलाइन की तरफ चलते हैं। ये देखें, इसका आ गया ये नेकलाइन, ये इसकी नेकलाइन आ गई, बड़ी खूबसूरत सी नेकलाइन आई हुई है। इस पर हमने आपको स्टार्ट में भी दिखाई थी। इसके ऊपर देखिए डोरिया धागे का वर्क हुआ हुआ है, बहुत ही खूबसूरत इसका जो है लुक आ रहा है। ये बहुत सिलने के बाद एलिगेंट सा डिज़ाइन लगा। क्लाइंट को टिच बटन वाली स्लीव्स चाहिए थी तो उसके साथ हमने यहाँ पर भी जो है एम्ब्रॉयडर्ड जो है लेस लगवा दी है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी करवाई थी इसलिए हमने जो है ना दूसरी लेसेस के ऐड ऑन नहीं करवाए ताकि इसकी खूबसूरती नम ना पड़ जाए। अच्छा, ये आ गया इसका खूबसूरत सा ट्राउज़र, ये हमने ट्राउज़र पे भी जो है एप्लीक करवाया है, जो इसका बॉर्डर गिवन था प्रिंटेड बॉर्डर को हमने एप्लीक करवाया है ट्राउज़र के। ठीक है, इसके बाद जो ये आ गया इसका शिफॉन का दुपट्टा, हमने जो है इसके लिए सिल्क की पाइपिंग हम इस्तेमाल करते हैं, हम मलाई पाइपिंग या हम जो है कॉटन पाइपिंग इस्तेमाल नहीं करते। सिल्क की पाइपिंग पे जो है कॉटन सिल्क की पाइपिंग जो होती है उस पर जो खूबसूरती आती है शामू सिल्क की पाइपिंग से, वो किसी भी इससे खूबसूरती नहीं आ सकती। तो हमारा मोटिव ये होता है कि क्लाइंट का आम से आम सूट भी जो है सिलने के बाद एलिगेंट का लुक दे। ये सारी मिल्की लेसेस है, जो हमारे पास मिल्की लेसेस भी अवेलेबल होती हैं, हम मिल्की लेसेस वगैरह पर भी डीलिंग करते हैं, तो हम अपनी ही वही लेसेस जो हमारी होती हैं उसको हम डाई करवा के क्लाइंट के सूट्स पर लगवाते हैं। तो ये इस पर हमने ये वाली लेस लगवाई है मिल्की लेस। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये मिल्की लेसेस जो होती हैं ये वाइट कलर में होती हैं, इसको वाइट कलर को हमने ये इसके बेज कलर के साथ इसके जो फ्रंट का कलर है ना उसके साथ हमने डाई करवाया है और फिर इसको जो है हमने लगवाया है। ये आर्टिकल ये है। अच्छा जी, ये चेक कीजिए, ये भी मारिया बी का एम्प्रिंट का हेड कोड है, कैम्ब्रिक के ऊपर है ये आर्टिकल और ये अभी लेटेस्ट वॉल्यूम इसकी लॉन्च भी है। अनस्टिच भी आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा और स्टिचिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं, स्टिचिंग फैसिलिटी ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड प्रोवाइडेड है। अच्छा, ये आप चेक कीजिए, हमने इस पर ये लेसेस की एडिंग करवाई है, वही सितारा वर्क है। ये आप चेक कर सकते हैं कितना अच्छा दूर से लुक आ रहा है। इस तरीके से हमने फिर टैसल्स की हैंगिंग भी करवाई है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये सारे हमारे जो है ना हैंड से अटैच्ड हैं, ये कोई लॉक वगैरह हमने नहीं लगवाया, हैंड से लगाएं क्योंकि इसकी मजबूती ज़्यादा अच्छी आती है, इसकी मजबूती बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा आप जो है नेकलाइन चेक कर सकते हैं, नेकलाइन पे हमने जो है ये इस तरीके की बटरफ्लाइज गिवन थी उसका ही हमने डबल अटैच करके और इसका एक हमने बटन टाइप का लुक दिया है। अब इसके बाद हम इसका आपका बैक साइड दिखाते हैं, मतलब बैक साइड के दामन का साइड दिखा रहे हैं कि हमने इसको दामन का क्या लुक दिया है। ये देखिए, ये आ गया इसका बड़ा ही खूबसूरत सा दामन, ये आप चेक कर सकते हैं। ये सारे दामन पे हमने जो है ना 3D अटैच्ड करवाएं फुल दामन पे, ये अभी तय हुआ हुआ था इस वजह से थोड़े से ऐसे हो रहा है, वैसे ये देखिए पूरा इस तरीके से अटैच करवाएं। फिर नीचे भी छोटे से बटरफ्लाइज भी गिवन थे तो वो भी हमने हैंगिंग के लिए लगवाए हैं, सारे इस तरीके से पूरे हैंगिंग पे करवाएं। ये सारे इस तरीके से हैंगिंग करवाइए। इस हैंगिंग के अलावा भी हमने जो है यहाँ पे
ये चेक कीजिए, लेसिंग भी साथ करवाई है, लेसिंग भी हमने करवाई है, और वो भी हमने बहुत एक्सपेंसिव लेस के साथ लेसिंग करवाई है, जो हमारे पास आपको बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे मिल जाएगी। भाई साहब को ये लेस 180 यार्ड 200 पर यार्ड मिलती है, लेकिन हमारे पास इंतहाई रीजनेबल प्राइसेस पे भी मिल जाएंगी, सिर्फ लेसेस भी मिल जाएंगी। ये वाइट मिल्की लेसेस होती हैं, फिर इसको डाई करवाते हैं हमने, इसके लिए मैचिंग का फिनिशिंग का कपड़ा लेके तुरपाई के साथ अटैच करवाया है। ये आप इसका लुक चेक कर सकते हैं। चलिए ये आ गई इसकी शलवार जो क्लाइंट के डिमांड पे बनी है, और ये इसका आ गया दुपट्टा विद फोर साइड हमने लेसिंग करवाई है, यही एक्सपेंसिव लेस के साथ जो सितारे वर्ग की लेस है, डाई करवाइए पहन। अच्छा जी ये चेक कीजिए, ये बहुत ही बारूक का हिट आर्टिकल है, लिलन पे है विद लिलन शॉल के साथ एम्ब्रॉयडर्ड है। इसकी हम आपको ओवरव्यू दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमने इसको स्टिच करवाया क्लाइंट के लिए। ये चेक कीजिए, ये ब्यूटीफुल सा कॉपर पे आर्टिकल है, ये इसकी फुल नेक लाइन एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। ये इसके कॉलर पे भी एम्ब्रॉयडरी थी, ये सारी एम्ब्रॉयडरी अलग से गिवन थी जिसको हमने फुल एप्लीक करवाया है, कॉलर पे भी, नेक पे भी, और स्लीव्स पे भी हमने इसको एप्लीक करवाया है। अच्छा इसके अलावा हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि हमने इसमें और क्या एडिंग की है, ये आप चेक कर सकते हैं। स्लीव्स पे हमने ये इस तरीके से क्रिस्टल के जो पर्ल्स हैं उनको हमने हैंड अटैच्ड करवाया है कि ये आसानी से गिरेंगे नहीं, वरना जो रेडीमेड पर्ल्स और आते हैं वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं और क्लाइंट शिकायत करते हैं कि हमारे कपड़ों से पर्ल्स झड़ गए, लेकिन हम जो है बिल्कुल मज़बूत काम कर सकते हैं। ये चेक कीजिए, ये इसी तरीके से हमने फुल दामन पर भी करवाया है ये काम, और कॉपर कलर की फिनिशिंग लेके हमने फिनिशिंग करवाई है इसके फुल फोर साइड चौक दामन पर, ठीक है। यहाँ से आपको उसका दामन का लुक दिख रहा होगा कि किस तरीके से जो है ये पहनने के बाद लगेगा। इसके बाद हम आप उसको इसका ट्राउज़र दिखा रहे हैं, ट्राउज़र के लिए भी एम्ब्रॉयडरी गिवन थी जिसको हमने इस पर अटैच्ड किया है। ये इसका ट्राउज़र का लुक आ रहा है, बड़ा ही फैंसी सा लुक आ रहा है। और इसकी अब हम आपको शॉल दिखाएंगे, ये देख लीजिए इसकी लेलन की शॉल है, इस पे हमने वही फोर साइड लेसिंग इस्तेमाल की है, और आप देख सकते हैं इस पे भी हमने एक्सपेंसिव वाली लेस इस्तेमाल की जिस पे पन्नी सितारा है। ये हमने वाइट में थी, इसको हमने फिर इसके कॉपर के साथ जो ये क्रीमिश शेड है उस पे डाई करवाया है, ये फुल आप और इसके नीचे फुल हमने लाइनिंग लगवाई है, सॉरी फिनिशिंग करवाई है वही सिल्क की जो हम अपना अच्छा कपड़ा हमने आपको बताया था हम यूज़ करते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये इसका लिलन के दुपट्टे का लुक आ गया है, ये बहुत ही हसीन आर्टिकल है और बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये इसका कैटलॉग है, अगर किसी को हमसे स्टिच करवाना हो तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्टिचिंग करवा सकते हैं।